नहीं कंपनी से मैं नहीं छूटूंगा, लेकिन आपकी कंपनी को जैसे ये लोकल ट्रेन हमारा मुंबई में से चालू हुई, सब कुछ सामान्य हो गया ना, तुम्हारी कंपनी मैं तोड़ने वाला हूँ। मैं कंपनी से छूटू नहीं छूटू बात अलग है, लेकिन मैं कैसबिन को तोड़ने वाला हूँ मजबूत। अच्छा कैसबिन जिंदा है नहीं? मुझे लगा मर गया लगता है कैसबिन। सर आप कैसे बात कर रहे, रिस्पेक्ट से बात कर रहे, किस तरीके से बात कर रहा हूँ सर? नहीं नहीं तुम लोग ने जगह छोड़ी नहीं है ना अच्छे से बात करने की, जगह तुमने छोड़ी है क्या? सर देखिए मोहम्मद जी, देखो मोहम्मद जी आप पर्सनली, आपसे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम है कैसबिन से। सर मैं आपसे कितनी आपसे बात कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से जिसमें मैं आप उस तरीके से बात भी तो कर सकते हो ना सर। नहीं कैसबिन ने जगह छोड़ी नहीं ना, कैसबिन ने वो जगह छोड़ी होती ना तो मैं अच्छे से बात करता, लेकिन कैसबिन ने वो जगह छोड़ी नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, आपने पे लोन लिया है कैसबिन कंपनी से, लोन आपको पेमेंट करना है सर, पेमेंट करवा दी सर। नहीं मैंने कोई लोन नहीं लिया है भाई। सर 275 दिन से आपका डिले चल रहा है, देख लो सर अभी आपका 275 दिन 365 दिन पूरा नहीं हुआ अभी तक यार, मुझे लगा अलग हो गया रहेगा। क्या सर? मुझे लगा 365 दिन पूरा हो गया रहेगा मुझे लगा। तो पेमेंट आपको करना सर, नहीं करना पेमेंट आपको कैसबिन का सर? नहीं एक्चुअली जो बंदे ने मुझसे बदतमीजी की थी ना जी, जो बंदे ने मेरे सारे कॉन्टेक्ट में कॉल करके मेरी इज्जत खराब की है ना, वो बंदा जब तक मेरे पाँव में गिर के माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं पेमेंट नहीं दूंगा। सर अगर आप उसके लिए, मैं आपसे माफी चाहता सर, मैं माफी मांग। नहीं भाई तेरे माफी मांगने से क्या होगा भाई, जिसने उंगली की वो माफी मांगेगा ना। बंदा तो वही चाहिए, बंदा तो वही चाहिए माफी मांगने के लिए। मोहम्मद जी आपकी सर देखिए आप मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए मयंक जी, अगर आपको किसी ने मिसबिहेव किया है तो हमारी कंपनी उसको ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर देती सर, आपको मालूम होगा। अरे भाई तुमने टर्मिनेट कर दिया, तुम्हारी कंपनी कौन सी गवर्नमेंट जो कोई उसको टर्मिनेट कर दिया तो फर्क पड़ेगा उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लीगल कंपनी है हमारी। तो सर हमारी कंपनी में तो वो एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता ना सर, क्योंकि जब कोई बंदा अगर हरेसमेंट करता है किसी कस्टमर को तो कस्टमर पेमेंट देगा क्या? अगर मैं तुमको गाली गलौज दूंगा, तुमसे उल्टी बात करूंगा, तुम मुझे पेमेंट दोगे क्या? अगर अगर आपका इस तरीके से अगर आपके अंदर का जो आपका अंदर का जल्दी अगर आपके कम हो सकती है तो आपने निकाल दे दो, दे लो कोई। नहीं नहीं गाली आपको देने से समाधान नहीं होता ना मेरे भाई, गाली आपको देना या फिर कंपनी को देना, जो बंदे ने मुझे पर्सनली गाली दी है ना, जो मेरे कॉन्टेक्ट में कॉल करके इज्जत खराब की है ना, आपने हमारी माफी चाहिए ना। आप इतने समय से हमारी कंपनी से जुड़े हो और आपने कंटिन्यू लोन लिया, कभी आपका पेमेंट डिले नहीं हुआ एक बार भी, और आपको 9700 तक का हमारी कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया, ठीक है सर? बराबर है। आप आपको मैं नहीं चाहता सर आप हमारी कंपनी से टूटे सर, हमारी कंपनी आपको जुड़े रखना चाहती है। नहीं कंपनी से मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन आपकी कंपनी को जैसे ये लोकल ट्रेन हमारा मुंबई में से चालू हुई, सब कुछ सामान्य हो गया ना, तुम्हारी कंपनी मैं तोड़ने वाला हूँ। मैं कंपनी से छूटू नहीं छूटू बात अलग है, लेकिन मैं कैसबिन को तोड़ने वाला हूँ मजबूत। मतलब सर? मतलब तो तुमको जब मैं वहाँ पे आऊंगा तभी पता चल जाएगा कि मतलब क्या है। तो सर तो आप ये पेमेंट कर दीजिए, अपना लॉस क्यों कर रहे हो सर? दूसरे अगर किसी पर्सन ने आपको साथ गलत किया तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर आपकी सॉरी नहीं चाहिए मेरे को, और मैं मेरा लॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा लॉस कभी नहीं करता, मैं व्यापारी आदमी है, मैं लॉस कभी नहीं करता अपना। सर देखिए आपका लॉस इसमें एक, आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा था और अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा मेरा लॉस कर रहे हो सर। मेरा लॉस क्या हुआ बताओ, क्या लॉस हुआ मेरा? आपका रिकॉर्ड खराब हो रहा है ना सर इसमें, आपको फ्यूचर में लोन भी चाहिए फिर आप। नहीं ऐसे भी कैसबिन चोर कंपनी से लोन चाहिए भी नहीं, कैसबिन से आपको नहीं चाहिए। चलिए मान लेता हूँ मैं आपको कैसबिन से आप नहीं लोन लेंगे तो, और वैसे तो आप लेंगे ना, रिकॉर्ड तो आपका रहेगा ना। नहीं अभी 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 जो ये 15 दिन वाली चोर कंपनी है ना वो सबको मैं बंद कराने वाला हूँ। आप इस तरीके से कंपनी से ब्लेम नहीं कर सकते कंपनी पर, ठीक है सर? अगर आपको लोन, आपने लोन लिया तो आपको लोन पेमेंट भी आपको ही करना। क्यों ब्लेम नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकते सर आपने, आपको आपको अगर सुनिए सर, अगर कंपनी में एक पर्सन गलत होगा तो इसका मतलब ये नहीं सारे आपको, सारे एम्प्लॉय आपको गलत आप ठहरा दोगे सर। नहीं नहीं कंपनी पूरी की पूरी चोरों से भरी है। ये बताइए सर कंपनी आपको कैसे ब्लेम कर सकते हो आप सर? ये बताए पांचों उंगलियां आपकी बराबर है क्या? नहीं 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 क्यों ब्लेम नहीं कर सकता भाई सर, कंपनी को, कंपनी जब मैनेजमेंट जब इंटरव्यू लेता है, सुनिए सुनिए, मैनेजमेंट जब इंटरव्यू लेता है किसी बंदे का बराबर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्या? और लोगों के कॉन्टेक्ट में कॉल करके ये कौन सा काम करने का तरीका हो भाई? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आपके आपके हाथों में पांच उंगलियां बराबर है क्या? नहीं पांच उंगली बराबर नहीं, लेकिन अगर पांच उंगली को जोड़ कंपनी है तो सर
हमारी कंपनी में सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, यदि कोई पर्सन उसमें अगर गलत निकल आता है तो उसको हमारी कंपनी तुरंत टर्मिनेट कर देती है, तुरंत निकाल देती है हमारी कंपनी, कोई भी समय नहीं लगता सर निकालने में। ठीक है, आप लोग को ट्रेनिंग, सर आपको ट्रेनिंग कौन देता है? सर आप लोग को ट्रेनिंग कौन देता है? सर क्या मतलब सर आप लोग को ट्रेनिंग कौन देता है? हमारी कंपनी में ट्रेनिंग है, ट्रेनर जो हमारी कंपनी में जो हमको ट्रेनिंग देते हैं सर, वो ट्रेनिंग और ट्रेनर भी अंगूठा जाप है, वो भी अनपढ़ है, उनको वो भी अनक्वालिफाइड है। सर एक बार बताइए, मैं आपसे कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी आपको मतलब लग रहा है कि मैं आपसे गलत बात कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, बात गलत की नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके ट्रेनर है, ट्रेनर हमारी अनक्वालिफाइड है, पेमेंट ने आपने लिया है कैश बिन से, आप तो क्वालिफाइड हो ना सर, इतना क्वालिफाइड आप हो पर्सन, तो सर आप ये मतलब अच्छे से। नहीं नहीं सर, मैं तो अंगूठा छाप आदमी है सर, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आपसे लोन लेता, मैं तो अंगूठा छाप आदमी है सर। मैं आपकी नजर में मानता हूँ, आपको मेरे को मेरी पढ़ाई दूसरी हुई है, लेकिन दूसरी में मेरे को उठा लिए इन लोग, तो आप ऐसा काम कर रहे हो सर, पेमेंट कर दो। नहीं सर, पेमेंट तो मैं कैश बिन में आके ही करूंगा, वहाँ तो ऑफिस में आके थोड़ा हंगामा होगा, थोड़ी मजा आएगी, थोड़े लोग को सबक सिखाऊंगा, तब पेमेंट दूंगा। ये बात है। और हाँ एक काम कीजिए सर, मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, मैं एग्रीड हूँ पेमेंट देने के लिए, मैंने जो पहले बहुत सारे लोन लिए ना राइट, मैंने पेड भी किया जैसे आपने मुझे कहा, ठीक है, तो उसका आप लोग ने जीएसटी फिल किया रहेगा ना, तो जीएसटी फिल किया हुआ मुझे रसीद दे दीजिए आप। सर मेरी बात सुनिए, मैं मेल आईडी पे आप रसीद दे दीजिए, जीएसटी भरा हुआ आपको कंपनी के, आपको कंपनी के पर्सनल नंबर में आपको क्या दे सकता हूँ बताइए, आपको क्या प्रूफ मिलना चाहिए सर? आप कंपनी से, कंपनी के आप बारे में आप क्या जानते हो सर? नहीं नहीं, कंपनी चोर है उतना ही जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता हूँ मैं। तो आपको बताइए क्या मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, कंपनी जो पैसा दे रही है किस बात के लिए दे रही है, किस लिए दे रही है? अरे सर मैं हक की बात कर रहा हूँ आपके, आप मोहम्मद भाई, ओ मोहम्मद भाई जरा गाड़ी को ब्रेक लगाओ, अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाओ, आप अच्छे व्यक्ति हो, मेरा आपसे कोई पर्सनल वेद नहीं है, ठीक है? तो आप कंपनी, तो मैंने पहले लोन लिया था ना, उसका मेरे को जीएसटी जो काटा है ना, वो जीएसटी का मुझे रसीद दे सकते हैं कि नहीं? क्यों, आपने जीएसटी फिल किया है कि नहीं, मुझे पता होना चाहिए ना सर। नहीं सर, ये आप अपने ऐप में शो, ऐप में आपके शो कर रहा होगा ना, ऐप में देख लो। नहीं ऐप में नहीं, मुझे रसीद चाहिए मेल द्वारा, रसीद चाहिए मुझे मेल द्वारा, नहीं दे सकते आप? कंपनी खरीदने वाले हो ना सर, कंपनी में आपको कंपनी का वो चाहिए ना, तुम्हारी कंपनी में है दो कोड़े की कंपनी, उसको क्या खरीदूं मैं? हाँ तो आप ये कैसे बोल सकते हो कंपनी जीएसटी भर रही नहीं, मेरे आपको मालूम है कंपनी जीएसटी नहीं भर रही सर? अरे तो मैं कस्टमर हूँ, जो मैंने पैसा दिया उसका रसीद मांग रहा हूँ मैं यार, कंपनी आप दुनिया का नहीं मांग रहा हूँ मैं। क्यों कंपनी आपके आपके ऐप में जो कुछ है ना, सारा डिटेल आपके ऐप में शो करता है, ठीक है? वो तुम्हारी एप्लीकेशन चोर एप्लीकेशन है, डिटेल अपने ऐप में पढ़ सकते हो आप क्या क्या डिटेल है क्या क्या नहीं है, ठीक है? अरे भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैं भी एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एसबीएन पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज से मुझे मेल चाहिए कि भाई आपका जीएसटी भरा हुआ है, फाइल फिल्ड किया हुआ। अच्छा जी सर, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको मेल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, कंपनी की तरफ से एक मेल आपको आया होगा, उस मेल को आप चेक कर लीजिएगा। अभी आया है, अभी भेजा आपने? मेल आएगा और आएगा, आपको मेल आएगा, उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपके साथ क्या एक्टिविटी कर सकती है वो कंपनी आपको मेल में प्रोवाइड कर देगी सर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका नहीं मैं फ्री हूँ।